हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं स्टी पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच हो तो आप में इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है ही। तो आज की जो वीडियो है समझ लीजिए, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट यानी विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। आज जो वीडियो लेक्चर होने वाला 45 होने वाला है और आज जो पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, यानी जल से कैसे विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तीन ही पावर प्लांट पढ़ने हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ एक पावर प्लांट आपके पेपर में फिक्स है, आएगा ही, वो भी 5 मार्क्स का आएगा और एकदम समझ लीजिए फ्री का नंबर होने वाला है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो। वीडियो के एंड तक अगर स्किप करके देखते हो तो हमारी गारंटी नहीं रहेगी, यहां पे इसका आपको ध्यान रहे। देखिए, यहां पे कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है, आप अगर एक नजर में सिर्फ इस चीज को समझ लेते हैं तो ध्यान दीजिए आपको ये लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना वहां करते हैं जैसे हम पहाड़ों पर बांध बना करके कर लेते हैं या तो नदियों पर बांध बना करके कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जगह नहीं कर सकते, बांध बनाना पड़ेगा, आप चाहे नदी पे बनाएं, लेकिन ऑलमोस्ट वो कहां बनाए जाते हैं, पहाड़ों पर ज्यादातर के बनाए जाते हैं या जहां पर ढलान हो वहां पे बनाए जाते हैं। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कि यहां पर बांध बनाते हैं, बांध बना करके यानी डैम बोलते हैं जिसको, बांध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो डैम बना करके हम लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इसमें पानी स्टोर करते हैं, बहुत सारा पानी इसमें रखा रहता है। अगर जिस तरीके से ये जो डैम अगर फट जाए तो काफी दूर तक पानी पानी हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर इसमें पानी न यहां पर आए और इतने पानी इसमें स्टोर किए जाते हैं कि कई महीनों अर्थात सालों तक यानी कई एकाक ईयर्स तक, 1 ईयर्स या 2 ईयर्स तक ये बिजली लगातार दे सकता है, इतना पानी इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या गया, हियर वाटर लेवल, ये वाटर लेवल दिखाया गया है, ठीक है। रिसोर्सेस, तो यहां पे आपका रिसोर्स, तो देख सकते हैं बांध दिखाया है। यहां से क्या करते हैं हम लोग, नीचे से एक पाइप यानी वाटर कैरी पाइप लेकर के आते हैं क्योंकि यहां पे पाइप इस्तेमाल करेंगे और जल काफी भरा हुआ है तो यार प्रेशर जो होगा ना वाटर का वो काफी ज्यादा हो जाता है यहां पे। तो देखिए यहां पे सपोर्टर्स लगे हैं ताकि पाइप टूटे ना, तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा डायग्राम दिखा, ब्लॉक डायग्राम भी दिखाएंगे। तो यहां पे क्या करते हैं, इस तरीके से वाटर कैरिंग पाइप की मदद से लाते हैं हम लोग, यहां पे लगाए होते हैं वाटर टरबाइन, एक प्रकार के होम यानी घर में ये सब स्थापित होते हैं, लेकिन यहां नॉर्मली समझ लो, समझने की जो बात है, एक हम लोग क्या लगाए होते हैं वाटर टरबाइन, कहने का मतलब हमें किसी भी तरीके से हमें इस टरबाइन के पंखुड़ियों को यानी फैंस को घुमाना होता है। अब चाहे हम उसको भाप की मदद से यानी हीट की मदद से थर्मल पावर प्लांट में गर्म करते थे, चाहे हम इसको वाटर की मदद से लाकर के इन पंखुड़ियों को घुमाएं। अगर गाइस हम पंखुड़ियों को हम क्या करते हैं घुमाते हैं तो हमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी हम जो भी यानी वन फेज का एसी जनरेटर या 3 फेज का एसी जनरेटर या 3 फेज का जनरेटर हम लगा करके हम एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई जो भी जनरेटर लगाएंगे उसके अनुसार हम सप्लाई को प्राप्त कर लेंगे। बचा हुआ जल आउटलेट के रूप में देख सकते हैं टाइल वाटर लेवल, कहने का मतलब नदियों में धीरे धीरे प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से नदियों से फिर छोटी छोटी नहरों में जाता है, तो मतलब आगे भेज दिया जाता है और यहां बांध पे रोके रहते हैं पानी। तो इस तरीके से देख सकते हैं फिगर जो दिखा रहा है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपका एक नॉर्मल सा अरेंजमेंट व्यवस्था क्रम आपको दिखाया गया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम, जिसकी हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे थे। तो देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम्स की मदद से कैसे समझेंगे हम लोग, क्या करते हैं या जो भी जहां भी बनाना पड़ता है वहां पे हम लोग बांध बनाते हैं यानी हाई ही हेड पर वाटर को स्टोर करते हैं ताकि उसमें काफी मात्रा में एनर्जी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा काफी मात्रा में रहे। जब वहां से वाटर चलेगा तो उसमें काफी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगी। देन वहां से जैसे वाटर हमारा आता है डैम से गुजरते हुए आएंगे तो डैम से वाटर कैरिंग पाइप की मदद से आएगा वाटर टर्बाइन के पास यानी पंखुड़ियों को घुमाने के लिए। जैसे ही पंखुड़ी आपकी टर्बाइन की घूमेगी तो आपको क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी और जनरेटर का आप इस्तेमाल करके, अब यहां पे 3 फेज एसी जनरेटर यूज किया गया है या सिंक्रोनस जनरेटर बोल लीजिए, बातें की है, तो यहां पे क्या होगा आपको सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। जो बचा हुआ वाटर होगा उसको हम नदियों में धीरे धीरे प्रवाहित करा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा डायग्राम था ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का और यही ज्यादा कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है।
देखो जितना मैंने बताया बस इसी को लिख देना है एक लैंग्वेज में। अब कैसे लिखना है वो हम आगे अभी देखते हैं। देखिए जल विद्युत संयंत्र में यानी हाइड्रो पावर प्लांट में जल की दाब यानी प्रेशर तथा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को पहले टरबाइन द्वारा गतिज ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसके बाद इस गतिज ऊर्जा को विद्युत जनित्र द्वारा यानी जो आपका जनरेटर है विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में हम इसको बदल लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम बगल यानी साइड चित्र में दिखाया गया, चित्र में बोल सकते हो दिखाया गया है। इस पावर प्लांट की प्रचालन लागत जो होती है लगभग शून्य होती है। ऐसा गाइस इसलिए क्योंकि इसमें जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि जल द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। प्लांट की स्थिरता को बढ़ाने के लिए बांध का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, बांध बना देते हैं ताकि पानी उसमें काफी मात्रा में रहे और फोर्सेस बना के आए जिससे हमें काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी क्योंकि पंखुड़ियां तेजी से घूमेंगी जिससे लगभग पूरे वर्ष की जल की उपलब्धि बनी रहती है। हमने बताया भी आपको कि अगर 1 ईयर्स या 2 ईयर्स तक अगर मतलब पानी इसमें ना आए और जितने पानी इसमें पहले फुल किए जाते हैं उतने पानी इसमें यानी जितने वाटर्स रहेंगे वो क्या करते हैं 1 साल तक कम से कम उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे, इतना पानी इसमें स्टोर होता है। देखिए जल विद्युत पावर प्लांट यानी हाइड्रो पावर प्लांट में एक पाइप द्वारा हम जल को उच्च शीर्ष से नीचे लाया जाता है। इस पाइप को पेन स्टॉक बोलते हैं, जो पाइप ऊपर से नीचे लेकर आती है इसको बोलते हैं पेन स्टॉक, तथा यह उच्च दाब वाला जल टरबाइन पर गिरा करके जल की स्थिति दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेते हैं। इस प्लांट की जो दक्षता होती है यानी एफिशिएंसी होती है अन्य प्लांट की अपेक्षा, जो और भी जैसे थर्मल प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट तो है ही, इस तरीके से गैस टरबाइन पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट, तो उसकी अपेक्षा काफी अच्छा होता है इसकी एफिशिएंसी, तथा लगभग 60 से लेकर के 65% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। परंतु इसकी लागत जो होती है अन्य की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। परंतु अगर बात करें इसकी जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, इकोनॉमिकल रूप से एक बार लगती है, फिक्स रहती है, बस इसमें देखरेख में यानी मेंटेनेंस वगैरह में थोड़ा खर्च आता है और बाकी तो इसकी कॉस्ट सब कुछ स्थिर रहती है। सो गाइस इस तरीके से आपने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।